हेलो एवरीवन, आइए आज हम लोग क्लास 10 मैथ डॉक्टर मनोहरी में बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर, परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण चैप्टर पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, चैप्टर 13 है। इसमें हम लोग एक्सरसाइज 13.1 लेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग एक इंट्रोडक्शन ले लें। इसमें किन किन ठोसों का, किन किन आकृतियों का हमको प्रयोग करना है, उनसे जो सम्मिलित ठोस जो आकृति बनेगी उसका हमको आयतन और पृष्ठ कैसे निकालना है, उन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहले आकृतियों से हम लोग परिचित हो जाएं कि इसमें कौन कौन सी आकृति, कौन कौन सा ठोस जो है प्रयोग किया जाएगा। तो सबसे पहला है घनाभ। घनाभ एक ऐसी आकृति है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ये त्रिविमीय होता है। हमने यहाँ पर हालांकि बोर्ड जो है टू डायमेंशनल होता है इस पर दिखा दिया है, लेकिन ये थ्री डायमेंशनल होता है, त्रिविमीय। तो इसमें अच्छा, ये जो है घन है। घन एक ऐसी आकृति, ठोस आकृति जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होता है। तीसरा है सिलेंडर, बेलन। बेलन जिसका नीचे और ऊपर का भाग तो वृत्ताकार होता है और ये भाग वक्रीय होता है, वक्र होता है। ये है शंकु, जिसका नीचे का भाग तो वृत्ताकार होगा लेकिन ऊपर का भाग नुकीला होता है। ये शंकु हो गया। और इसमें हमको जो पढ़ना है, हम लोग को जो पढ़ना है इस एक्सरसाइज में, इस चैप्टर में, वो अर्धगोला होगा, गोले का आधा। गोले को बीच बीच से जब काट लेंगे तो अर्धगोला बनेगा, तो ये अर्धगोला है। तो ये हो गया आकृतियों का परिचय। अब इन आकृतियों में क्या क्या फार्मूला प्रयोग होगा उसका हम लोग देख लें। तो फार्मूला के नाम पर इसमें हम लोग सिर्फ आयतन और वक्र पृष्ठ, दो फार्मूला का प्रयोग करेंगे, आयतन और वक्र पृष्ठ। तो यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। घनाभ का आयतन, ये घनाभ होता है, सॉरी ये पूरा रहेगा, ध लिखा घ होगा, घनाभ का आयतन सीधा हो। तो हम देखिए फॉर्मूले में बहुत डीप नहीं जा रहे हैं, ये फार्मूला आप लोगों को पता भी है इसलिए हम बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जा रहे हैं। तो एक फार्मूला इसमें ये प्रयोग होगा, दूसरा है घनाभ का पृष्ठ, पृष्ठ कहिए या संपूर्ण पृष्ठ कहिए, हो जाएगा 2 LB प्लस BH प्लस HL। दो फॉर्मूले का प्रयोग होगा इसमें। इसके बाद घन में पहला है आयतन, जब भुजा A हो तो आयतन A क्यूब होता है, और पृष्ठ, घन का पृष्ठ जो है 6A² होता है। इसमें छः फलक होते हैं और सभी छः फलकों का पृष्ठ प्रत्येक का जैसे A² फिर इसका A² फिर इसका A², तो इस तरह से करके छः फलक होंगे, छः का जोड़ेंगे तो 6A² आएगा। बेलन में इसमें आयतन जो है πr²h, जहाँ r आधार की त्रिज्या और h ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। और दूसरा है वक्र पृष्ठ, टू
पाई आर एच, एंड तीसरा है संपूर्ण पृष्ठ ले लें, अगर संपूर्ण पृष्ठ बराबर 2πRh, ये वक्री भाग और ऊपर नीचे का वृत्ताकार भाग है, प्लस 2πr² या इसको 2πr कॉमन लें तो h प्लस r। ये तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठ हो गया। हालांकि जो आकृति बनेगी ना, जो आकृति बनेगी उसमें इसका संपूर्ण पृष्ठ नहीं पूछेगा बल्कि पूरी आकृति का संपूर्ण पृष्ठ पूछेगा। शंकु, शंकु का आयतन जो है 1/3πr² h होता है, वक्र पृष्ठ πrl होता है, जहां l बराबर अंडर रूट h² + r² होता है, और संपूर्ण पृष्ठ वही वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, तो πrl + πr², तो πr कॉमन l + r हो जाता है। उसके बाद बचता है अर्धगोला। इसका आयतन गोले के आयतन का आधा होगा, तो उसका 4/3 होता ना, तो इसका 2/3πr³। पृष्ठ इसका हो जाएगा 2πr² गोले का पृष्ठ 4πr² होता है, तो अर्ध गोले का 2πr² संपूर्ण पृष्ठ इसका देख लें, संपूर्ण पृष्ठ देखिए, संपूर्ण पृष्ठ में इसका वक्र पृष्ठ और आधार का क्षेत्रफल, यानी कि 2πr² प्लस आधार का क्षेत्रफल πr², यानी कि हो जाएगा कितना 3πr². तो ये इस फार्मूले को आपको याद करना है। उसके बाद जो हमको आकृति बनेगी, जिसे आकृति इसमें कैसी बनेगी, इस शंकु को इस अर्धगोले पर बिठा दिया जाएगा, तो किस तरह की आकृति बन जाएगी, ऐसा है ना। तो अब कहेगा कि इसका आयतन ज्ञात कीजिए, इसका पृष्ठ ज्ञात कीजिए, इस बेलन पर भी जैसे इसमें अर्धगोला ऐसे कर देगा, ये हो गया ऐसा, ठीक है। तो कह देगा कि एक अर्धगोला काट करके इसमें से निकाल दिया गया, उसकी त्रिज्या दिया रहेगा, तो शेष आकृति का आयतन और पृष्ठ जो कुछ भी, यही बस आयतन और पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, यही चीज पूछेगा, ठीक है। तो ये हो गया सामान्य परिचय, चलते हैं एक्सरसाइज पर। आइए एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक खिलौना त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है। एक खिलौना है, ये पूरा आकृति जो है खिलौना है, जो शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर अध्यारोपित है। ये क्या है ना, ये शंकु जो है, शंकुआकार खिलौना, एक अर्धगोले पर जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या के समान है, बराबर है, उसी पर अध्यारोपित है, यानी कि उसी पर ठीक ठीक एकदम पूरा सटा करके रख दिया गया है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरा, ये पूरा 15.5 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो हमको क्या करना होगा, शंकु का पृष्ठ निकालना होगा, अर्धगोले का पृष्ठ निकालना होगा, जोड़ देना होगा, वही संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या दिया है, शंकु की ऊंचाई पता कर लें, और उसके बाद अर्धगोले की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या के बराबर है, वो तो दिया ही है, तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्यूशन में, शंकु की त्रिज्या
आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। अर्ध गोले की त्रिज्या इसको भी हम मैं आर ले रहा हूं क्योंकि ये दोनों समान हैं, अगर अलग होते तो उसको हम आर वन आर टू कर देते। अच्छा चलिए अब देखिए यहाँ पर ध्यान देना है कि देखिए शंकु की त्रिज्या जो यहाँ पे है वही यहाँ पे भी होगी, यानी कि ये लंबाई वो 3.5 सेंटीमीटर और ये जो है अगर 15.5 में से ये पूरा घटा दें तो जो बचेगा वो शंकु की ऊंचाई हो जाएगी। तो क्या करेंगे, शंकु की ऊंचाई अगर हम नामकरण कर दें, ए यहाँ पर हम कर दें बी, तो ए बी पूरा जो है 15.5 है और ए बी में ओ बी घटा देंगे तो यहाँ हो जाएगा ए बी माइनस ओ बी मीन्स 15.5 माइनस 3.5 बराबर कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। शंकु की ऊंचाई कितनी हो गई 12 सेंटीमीटर। अब हम निकाल लें, चूंकि शंकु का पृष्ठ निकालना है तो त्रिज्या को चाहिए, त्रिज्या को चाहिए यानी एल, तो एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर मीन्स 12 का स्क्वायर, शंकु की ऊंचाई यहाँ पे हम एच कर दें, अब प्लस 3.5 का स्क्वायर, तो ये हो गया 144 प्लस 12.25, तो ये 156.25 कितना हो जाएगा 25 12 144 12 156, ठीक है इतना सेंटीमीटर हो गया यल। अब खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ बराबर शंकु का पृष्ठ प्लस अर्धगोले का पृष्ठ। शंकु का पृष्ठ पाई आर एल और इसका 2πr², पाई आर कॉमन ले लें, एल प्लस 2r मीन्स 22/7 गुड़े आर का मान 3.5, एल 12.5 और प्लस 2 × 3.5। अच्छा ये कट जाएगा 0.5, इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 12.5 में 7 जोड़ देंगे, 7 हो जाएगा ना, 12 7 19 19.5 ये हटा देते हैं, 19.5 गुणा कर दें, 11 5 55 11 9 99 5 104 सिलाई 10 और 11 11 10 21 तो 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही खिलौने का क्षेत्रफल हो जाएगा। देखिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, दवा का एक कैप्सूल एक बेलन के आकार का है ये, जिसके दोनों सिरे एक एक अर्धगोला लगा हुआ, दोनों सिरे पर इस सिरे पर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, इधर भी एक अर्धगोला लगा हुआ है, कैप्सूल की लंबाई 14 मिलीमीटर, कैप्सूल देखिए यहां से यहां तक होगा ये 14 मिलीमीटर है और व्यास 5 मिलीमीटर, व्यास देखिए ये होगा ये 5 मिलीमीटर, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब इधर जो अर्धगोला है उसका पृष्ठ, फिर बीच में बेलन होगा उसका पृष्ठ, फिर अर्धगोला होगा उसका पृष्ठ। देखिए ये एक्चुअल में यहां से अगर हम ऐसे ऐसे कर दें
तो ये अर्धगोला हो गया, यहां से अर्धगोला हो गया। तो ये अर्धगोले का पृष्ठ, बेलन का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ, है ना। तो इसमें ये देखिए, ये जो व्यास है 5 मिलीमीटर, तो ये लंबाई व्यास का आधा त्रिज्या, ये त्रिज्या के बराबर होगा, यानी कि ये 2.5, ये भी 2.5, दोनों को मिला देंगे तो 5 हो जाएगा। यानी कि बेलन की जो लंबाई होगी या ऊंचाई होगी वो 14 में से हम ये और ये यानी कि 5 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 9। और बेलन की त्रिज्या और अर्धगोले की त्रिज्या दोनों बराबर है, क्योंकि दोनों एक साथ माउंट है, एक साथ जुड़े हुए हैं। तो यहां लिखेंगे बेलन की त्रिज्या आर बराबर 5/2 मिलीमीटर, ऐसी रहने देते हैं, दशमलव में नहीं बदलते, छोड़ देते हैं। अर्धगोले की त्रिज्या यही होगी, दोनों की त्रिज्या एक समान है, ये भी आर ही ले लेते हैं और 5/2 मिलीमीटर हो जाएगा। और देखिए बेलन की ऊंचाई, बेलन की लंबाई कर दें या ऊंचाई कर दें, एक ही चीज है। एच बराबर ये 14 में से इधर का 5/2, इधर का 5/2, ऐसे करेंगे 14 - 5/2 प्लस 5/2, दोनों अर्धगोलों की त्रिज्या, तो ये हो जाएगा 14 - 5/2, 5/2 जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी कि हो जाएगा 9 मिलीमीटर। सब चीज जब पता हो गया तो अब लिखेंगे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर अर्धगोले का पृष्ठ देखिए, यहां पर एक चीज ये है कि जो अर्धगोला यही है, इधर है वही सेम टू सेम अर्धगोला, उधर भी लगा है, तो दोनों को अलग अलग लिख करके 2 गुणे कर दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। प्लस बेलन का पृष्ठ, क्या हो जाएगा 2 गुणे अर्धगोले का पृष्ठ 2π r² होता है, प्लस बेलन का पृष्ठ 2π r h, तो ये हो जाएगा 4π r, 5/2 × 5/2 स्क्वायर, है ना। इधर हो जाएगा 2π r का मान 5/2 और h का मान, h 9, ये 2 से 2 कट गया, ये कट गया इससे, तो 25π प्लस 45π, यानी कितना हो जाएगा 75। यहाँ पर मान रह देते हैं, 7 से कट जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 10, 220 में 10 का गुणा करेंगे तो 220 मिलीमीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऊंचाई 2.5 सेंटीमीटर और व्यास 1.5 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन, ये बेलन है जिसकी ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास जो है 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी व्यास और इसी ऊंचाई वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। क्या करना है, इसी व्यास और इसी ऊंचाई का एक शंक्वाकार खोल इसमें से काट लिया गया, शेष ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्र। अब देखिए पृष्ठीय क्षेत्र ज्ञात करना है, इसमें शेष पृष्ठीय क्षेत्र कौन कौन सा होगा, देखिए
ये शंकु का भाग काट करके निकल ले गया। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब बात होगी तो हम उस आकृति में या उस ठोस में उन सभी पृष्ठों का क्षेत्रफल निकालेंगे जो हमको दिखाई देगा। क्या क्या दिखाई देगा? देखिए, बेलन का वक्र भाग दिखाई देगा, ऊपर का वृत्ति भाग दिखाई देगा, और नीचे से देखेंगे ना तो शंकुआकार खोल है तो शंकुआकार भाग दिखाई देगा। यानी कि किसका किसका क्षेत्रफल लेना होगा? बेलन का वक्र पृष्ठ लेना होगा, ऊपर आधार कर दिया अगर तो आधार का क्षेत्रफल यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल, और फिर प्लस ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, ये प्लस होगा, और प्लस शंकु का शंकुआकार छेद का शंकुआकार खोल का क्षेत्रफल, वो पूरा तीनों को जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो सबसे पहले त्रिज्या ज्ञात कर ले। त्रिज्या है बेलन और शंकु दोनों के लिए एक ही त्रिज्या है, बेलन बराबर शंकु की त्रिज्या आर बराबर 1.4 बटे में 2, 1.4 व्यास है, ये हो जाएगा 0.7 सेंटीमीटर। त्रिज्या हो गया। बेलन की ऊंचाई, बेलन और शंकु दोनों की ऊंचाई एक है, बेलन बराबर शंकु की ऊंचाई h बराबर 2.4 सेंटीमीटर। चलिए अब शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होगा देखिए। शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्षेत्रफल, आधार इसका वृत्ताकार है ना, आधार का क्षेत्रफल प्लस शंकुआकार खोल का क्षेत्रफल, शंकुआकार खोल का क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज इसमें हमको फार्मूला तो लिख दिए, यही पर ना एक चीज निकालना होगा, L L बराबर हो जाएगा h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर अंडर रूट में, h मतलब 2.4 का वर्ग, और ये हो जाएगा 0.7 का स्क्वायर, जोड़ देंगे तो 6.25 आ जाएगा, जिसका वर्गमूल हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तिरछी ऊंचाई L बराबर 2.5 सेंटीमीटर, इसमें जरूरत पड़ेगा इसलिए हम निकाल लेते। बेलन का वक्र पृष्ठ 2πRh प्लस आधार का क्षेत्रफल πR स्क्वायर प्लस शंकुआकार खोल का क्षेत्रफल πRL। देखिए πR सब जगह है तो उसको हम बाहर कर लेते हैं, ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा। 2h प्लस r प्लस l ये हो जाएगा 22/7, r का मान 0.7, 2 × h का मान 2.4 प्लस r 0.7 प्लस l 2.5 काट देंगे तो ये हो जाएगा 0.1, इसमें बुरा कर देंगे 2.2 इंटू ये हो जाएगा 4.8 प्लस 0.7 प्लस 2.5 2.2 इंटू 8 7 15
पाँच बीस, चार चार आठ, अस्सी हो गया। गुणा कर देंगे तो आठ दस सोलह, आठ दस सोलह एक सत्रह, सत्रह दशमलव आठ, सत्रह दशमलव छः सेंटीमीटर स्क्वायर।